ले लेंगे। अम्मी मुझे तैयार कर दे जल्दी से। क्यों क्यों भाई, कहाँ जा रही हो? सालगिरह में। मैंने रफीक फूफा को बोले वो मुझे ले जाएंगे। क्या बेटा, बिला वजह ही तंग किया उनको। अरे जाने दो, कुछ नहीं होता। जाओ जाकर तैयार करो इसे। अच्छा बेटा, तुम जाकर तैयार हो, मैं दादी को दवा दे के आती हूँ। मैं भी साथ ही चलूंगी। आप दवा खिला ले, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दवा मैं खुद ही खा लूंगी, तुम जाओ इसे जाके तैयार करो। चलो। हाँ जी, सालन रोटी बन गई है? जी भाभी बन गया। तो फिर तुम भी जाओ ना अपने कमरे में, यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा सही। अरे सलीम को पानी नहीं दिया, मैं लेके जाती हूँ। बस थक गई हूँ, सारा दिन घर का काम कर करके ना तबीयत खराब हो रही है। भाई घर पे मेहमान भी तो आई हुई है ना, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। कहाँ है गांबाजी? होगी अपने कमरे में, आराम कर रही है। होनी को कौन टाल सकता है, थोड़ा सबर से काम ले। हाँ अब इसके सिवा कर भी कह सकते हैं बेटा। अल्लाह खैर करे। बच्चियाँ नजर नहीं आ रही हैं। अरे हाँ, शाइस्ता स्कूल गई है और सोबिया सहेलियों के साथ खेल रही है। बच्चियाँ आती हैं ना तो मिल लेना उनसे। नहीं अम्मा, इतना टाइम तो नहीं होगा, मुझे वापस में जाना होगा। अभी मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। और अच्छा हुआ भाभी आपने सामान देख लिया सारा। जी मजीद भाई, आप इतना कुछ ले आए, क्या ज़रूरत थी इतना तकल्लुफ़ करने की? अरे वो मेरी बच्चियाँ भी तो हैं, वैसे भी उनका दिल बहल गया। अच्छा ये मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, ये रखिए प्लीज़। ये क्या है? ये थोड़ा बहुत ख़र्चा है, मुझे अंदाज़ा है इन तमाम हालात का, और बाकी मैं नजीब के अकाउंट में भिजवाता रहूँगा। लेकिन मजीद भाई आप मुझे मत रोकिएगा, और ये भी रखें आप आमिर को बुलवा दें। जी अंदर है, मैं अभी लेके आती हूँ।